दोस्तों अगर आप भी युवराज सिंह को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मुंबई की टीम में शामिल होते ही युवराज सिंह ने ठोके 32 गेंदों पर 108 रन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने। आईपीएल के शुरू होने से पहले ही तैयारियों के बीच युवराज सिंह ने मुंबई की टीम में शामिल होते ही अपना शतक लगाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। युवराज सिंह ने हर तरफ छक्के और चौकों की बारिश करते हुए पारी के दौरान 15 गगनचुंबी छक्के लगाए, जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। तो आखिरकार मुंबई की टीम में शामिल होते ही युवराज सिंह ने कैसा तूफानी प्रदर्शन किया, यह तो आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ उनके तूफानी प्रदर्शन का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, युवराज सिंह, हार्दिक पांड्या और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, एक तरफ भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोमांचक टेस्ट सीरीज खेल रही है तो दूसरी तरफ से आईपीएल की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, जहां पर आईपीएल 31 मार्च से शुरू होने वाला है। ऐसे में अपने मुकाबले से पहले ही सभी खिलाड़ियों ने अपनी कमर कस ली है। ऐसे में इस बीच युवराज सिंह ने मुंबई में शामिल होते ही तहलका मचाना प्रारंभ कर दिया है। आपको बता दें, मुंबई की टीम में शामिल होने से पहले युवराज सिंह ने छक्के और चौकों की बारिश की और 32 गेंदों पर 108 रन की पारी खेली। इस दौरान युवराज सिंह ने पहली गेंद पर छक्का लगाकर अपना खाता खोला। इसके बाद और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए हर तरफ बारिश कर दी और छक्का लगाकर अपना अर्धशतक मात्र 15 गेंदों में पूरा कर लिया। आपको बता दें, इन्हीं के नाम है सबसे तेज अर्धशतक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। ऐसे में इन्होंने बहुत ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन किया है। तो वहीं युवराज सिंह ने और भी ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन बल्लेबाजी करते हुए आगे छक्कों और चौकों की बारिश के और लगातार गेंदबाज के सामने एक ओवर में 5 छक्के और 1 चौके लगाकर 34 रन बटोरते हुए 30 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लिया। उन्होंने 31 गेंदों पर 108 रन की पारी खेली तो वहीं 32वीं गेंद पर उन्होंने अपना विकेट भी दे दिया। युवराज सिंह ने 32 गेंदों पर 108 रन की पारी खेली। इस बीच उन्होंने 15 छक्के और 2 चौके लगाए। इस बीच उनका स्ट्राइक रेट 338 का रहा। ऐसे में इनके तूफानी प्रदर्शन को देखकर तो बाकी आईपीएल टीमें हैरान रह गई हैं। लेकिन आपको बता दें, युवराज सिंह को बल्लेबाज के तौर पर शामिल नहीं किया गया बल्कि बैटिंग कोच के तौर पर शामिल किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, मुंबई की तरफ से युवराज सिंह को खेलने का मौका मिलेगा या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।